नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, गर्मियाँ आने वाली है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट गर्मियों के लगा देने चाहिए। तो गर्मियों के प्लांट्स में से गॉम्फ्रीना एक है और फिर ये बालसम के हैं। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ आपने इन्हें कैसे लगाना है, इनकी केयर कैसे करनी है। तो बालसम तो आप लगाने के बाद एक महीने में ही इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं और गॉम्फ्रीना में फ्लावर्स आने के लिए 2 से 2.5 महीना लग जाता है। तो इन्हें लगाना कैसे आज मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास बालसम के कुछ सीड्स है, ये मैंने पिछले बार कलेक्ट किए थे। तो इन्हें आपने अभी लगा देना है 15-16 फरवरी के अंदर। इन्हें बस मैं ऐसे स्प्रिंकल कर दे रहा हूँ। इतना आसान। और इसी में मैं ये गॉम्फ्रीना भी साइड बाय साइड में लगा दूंगा। अच्छे से इन्हें आपने स्प्रेड कर लेना है और फिर इन्हें मिक्स कर लेना है। ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है, बस मिक्स कर लेना है। इतना आसान। और इसमें पानी दे देना है। तो मैं इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया है लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसमें डाल रहा हूँ। तो डायरेक्ट डालने की वजह यह है कि ताकि अगर मुझे बाद में कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे मिट्टी अच्छी भुरभुरी भी हो जाएगी। और ये मैंने थोड़ा तुलसी भी ये मैंने रखी है बाजू में, तो ये भी मैं डाल दे रहा हूँ। तो इस छोटे से टब में जैसे सीडलिंग बड़े हो गए फिर मैं इन्हें रिपोर्ट कर दूँगा। 1 महीने में ही आपको गुलमेंदी के फूल मिल जाएंगे। मई की गर्मियों में गुलमेंदी मर जाता है, ठीक से नहीं चल पाता। तो आपने अभी इसको लगा दे जल्दी से जल्द ताकि ये अच्छे से चल पाए। तो चलिए दोस्तों, होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि ये सीड्स आपने कैसे लगाने हैं। गोलमेंदी, गॉम्फ्रीना और तुलसी के भी मैंने बता दिए। तो ये देखिए, ये मेरे सारे स्पाइडर प्लांट्स खिल रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ पर मैचेस चल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये देखो, मैंने लगाने के वक्त आपको दिखाया था कितना सा था, ये मेरी 2 उंगलियों जितना ये प्लांट था। अब देखो कितना खूबसूरत हो गया है। और चलिए दोस्तों,